नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमा's Unique डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हल्दी से जुड़े हुए उपाय बताने वाले हैं, जो कि 5-6 उपाय आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, और जो सभी हल्दी से संबंधित है। हल्दी जो है विष्णु भगवान को भी प्रिय होता है, माता लक्ष्मी को भी प्रिय होता है। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप चाहे गुरुवार के दिन, यहाँ तक कि दिवाली के दिन जो आ गई है, इस दिन आपको ये उपाय करने हैं। सारे नहीं, जो आपको आसान लगे, जो आपको लगे कर सकता है, वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। आपको लेना है थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी, आपको ले लेनी है, और उसमें एक लोटा जल ले लीजिएगा, या एक बर्तन में, एक ग्लास में जल ले लीजिएगा, और उसको उसमें मिला देना है। मिक्स करने के बाद आपको अपने पूरे घर में हल्दी का छिड़काव करना है, क्योंकि हल्दी जो होता है वो दुर्भाग्य को दूर करता है, सौभाग्य को लेकर के आता है। माता लक्ष्मी को भी बहुत पसंद है, घर की शुद्धि होती है, सकारात्मकता आती है। तो आपको दिवाली के दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। पूरे घर में कोई जगह छूटने ना पाए, बाथरूम को छोड़ के बाकी हर जगह पर आपको हल्दी से छिड़काव कर देना है, हल्दी वाले जल का। एक ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा। आते हैं अपने दूसरे उपाय पर। इस वीडियो में जितने भी उपाय आपको बताने वाले हैं, सभी आपके घर की बरकत को बढ़ाने के लिए हैं, धन प्राप्ति के लिए है, धन लाभ के लिए है, कर्ज मुक्ति के लिए, धन संबंधी समस्याओं के लिए हैं। ये सारे उपाय आपको दिवाली के दिन करने हैं। ये उपाय भी आपको जो है, इसके कौड़ियाँ जो आपके घर में होंगी, कौड़ी आप ले सकते हैं, शंख है माता लक्ष्मी से संबंधित, या फिर अगर आपके घर में गोमती चक्र है, कुबेर यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, इस तरह से जो माता लक्ष्मी से संबंधित जो चीज़ें होती है, सिक्का है, चाहे चांदी का सिक्का है, या ऐसे भी कोई कॉइन होता है वो है आपके पास, तो उनसे संबंधित माता लक्ष्मी से जो भी चीज़ें आपके पास होती हैं, सभी को आपको क्या करना है, एक बार प्लेट ले लेना है, थाली लेनी है, थाली में दूध ले लेना थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसमें हल्दी मिला लेना है। फिर माता लक्ष्मी कारक जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, उन सभी को दूध वाले, हल्दी वाले दूध में डालना है, एक तरह से अभिषेक करवा देना है। सभी चीज़ों को अभिषेक करवा दीजिएगा, उसके बाद उसको अच्छे से आपको अभिषेक करवाने के बाद पोंछ लेना है। अब जब आपने पोंछ के सभी चीज़ों को साफ कपड़े से पोंछ लीजिएगा, पोंछ के साफ कर दीजिएगा, साफ करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको सभी पर हल्दी की जो है टिक्की लगानी है, सारी चीज़ों पर हल्दी का टीका, जिसे कहते हैं ना, उस तरह से हल्दी का टीका लगा लीजिएगा। और थोड़ा सा आपको चावल लेने हैं, चावल में भी हल्दी मिला करके आपको पीले चावल बना लेने हैं, हल्दी वाला पीला चावल बनता है ना, उस प्रकार से आपको पीले चावल बना लेने हैं। अब इस पीले चावल वाले अक्षत को आपको, पहली बात तो आपने सभी चीज़ों पर जो लक्ष्मीकारक चीज़ें हैं सभी पर साफ करने के बाद आपने सब पर हल्दी का टीका लगा दिया है, सभी पर आपको पीले चावल वाला अक्षत चिपका देना है हर एक चीज़ पर। उसके साथ ही साथ आपके माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है, उस पर भी आपको हल्दी का टीका लगाना है और वो अक्षत चिपका देना है। और भी बाकी जो मूर्तियाँ होती हैं, सभी पर आपको ये उपाय करने हैं। मंदिर में आपके जितनी भी हैं, हल्दी का टीका लगाना है और साथ में चावल चिपका देना है, अक्षत जो हल्दी वाला है। फिर आपको ये माता लक्ष्मी का, सॉरी, माता तुलसी का जो स्थान होता है, तुलसी माता आपके गमले में है, वहाँ पर जाइएगा और वहाँ पर भी आपको हल्दी से टीका करना है, और वो अक्षत जो है वो थोड़ा सा वो गमले में जड़ के पास आपको रख देना है, पीला अक्षत जो है आपका वो वहाँ पर रख देना है। दोस्तों, ये बहुत थोड़ा सा बड़ा ऐसे सुनने में लग रहा है, पर बहुत ही आसान, बहुत असरकारक उपाय होता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय है। ज़रूर करके देखिएगा, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर पर ही उपाय करना है। अब आते हैं अपने अगले उपाय पर। यह है स्वास्तिक का उपाय। आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है, कितने 5 स्वास्तिक का निर्माण आपको करना है अलग अलग जगहों पर, ये भी आपको हल्दी से ही बनाने हैं। स्वास्तिक ऐसे भी बहुत ही शुभ निशान होता है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के स्थानों पर बनाया जाता है, और हल्दी से स्वास्तिक तो आपका लाभ कई गुना बढ़ा देता है। सबसे पहले आप कहाँ बनाएंगे अपना स्वास्तिक? बनाएंगे अपने घर के मंदिर के पास, जहाँ पर आपका अपने पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी का जो स्थान है, जहाँ माता लक्ष्मी है, वहाँ पर सबसे पहले आपको हल्दी से स्वास्तिक बना लेना है। उसके बाद घर का जो मुख्य द्वार है आपका, वहाँ पर भी आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। सारे उपाय आपको दिवाली के दिन करने हैं, हो सके तो सूर्यास्त के बाद करिएगा सारे के सारे उपाय। और तीसरा जो है आपका तुलसी माता का जो स्थान होता है गमला, वहाँ पर आपको बनाना है। तीसरा स्वास्तिक हल्दी से बनाना है। चौथा जो स्वास्तिक है वो आपको माता अन्नपूर्णा के स्थान, यानी कि अपने किचन में बनाना है। वो चाहे गैस पर बना दीजिए या जो प्लेटफॉर्म होता है, कई जहाँ भी आपको जगह रहे किचन में,
वहाँ पर आपको स्वास्तिक का निशान बना देना है अन्नपूर्णा माता के स्थान पर, गैस चूल्हे से लेकर के और सभी जगहों तक। इसके बाद जो अंतिम आपका होता है, जहाँ पर आप रुपया पैसा रखते हैं, वहाँ पर तिजोरी है, जब अलमारी है, आपको वहाँ पर भी हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। अलमारी में बना दीजिएगा या तिजोरी में बना दीजिएगा, जहाँ भी आप बना सकें वहाँ पर आपको बना देने हैं। इस तरह से 5 जगह हो गई हैं जहाँ पर आपको दिवाली के दिन स्वास्तिक बनाने। और सभी जगह जब आप स्वास्तिक बना रहे होते हैं, तब आपको माता लक्ष्मी को स्मरण करना, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इन मंत्रों का आपको जप करते रहना है। जो भी आप उपाय कर रहे हैं, हर उपाय में आपको ये मंत्र बोलते रहना है, जप करते रहना है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते रहिएगा। अगला जो उपाय है, ये बहुत छोटा सा उपाय है। इसमें आपको टिक्की लगानी है हल्दी की। आपके घर में जितने भी दरवाजे हैं, ज़रूरी नहीं है मुख्य दरवाजे, जितने भी दरवाजे हैं, हर कमरे के दरवाजे पर आपको हल्दी का टिक्का लगाना है। टिक्की मतलब बिंदी होती है। इसी तरह से आपको अपनी जो अनामिका उंगली होती है, छोटी उंगली के बगल वाली, उस उंगली से हर एक दरवाजे पर आपको बिंदी रखनी है, यानी कि एक टिक्की लगा देनी है हल्दी से सभी दरवाजों पर, जितने भी दरवाजे हैं। और टिक्की लगाते हुए आपको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से कहते हुए हर एक दरवाजे पे आपको बिंदी लगा देनी है। इसके साथ ही जो माता लक्ष्मी के यंत्र होते हैं, कुबेर यंत्र हो गया है, और साथ ही साथ कौड़ियाँ हो गई हैं, सिक्के हो गए हैं, चक्र हो गया, गोमती चक्र हो गया, लक्ष्मी यंत्र हो गया, इन सब जो प्रतीक होते हैं, माता लक्ष्मी के कारक वस्तुएं हैं, उन सभी पर भी आपको हल्दी के टिक्के लगाने हैं। तो आपको दरवाजों पर लगाने हैं टिक्के, और साथ ही लक्ष्मी कारक जो चीज़ें आपके घर में हैं, माता लक्ष्मी की मूर्ति समेत, उन सभी पर भी हल्दी का टिक्का लगाना है इस उपाय में। आ जाते हैं अपने अगले उपाय पर। अगला उपाय है पोटली बनाना धन की। ये आपको धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं, दिवाली के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए, या फिर अक्षय तृतीया, जो इस तरह के मुख्य दिन होते हैं, उस दिन करना है। धन की पुटनी बनाने के लिए आपके जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें आपने ली हैं, सबसे पहले आपको उनको हल्दी से टीकी बिंदी लगानी है, टीका करना है। सबसे पहले आपको सिक्का ले लेना है, चाहे चांदी का सिक्का है या फिर 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का है, जो भी है, उस पर हल्दी से टीका कर लीजिएगा, टिक्की एक गुल बिंदी लगा देना है। फिर आपकी कौड़ियाँ हो गई हैं, उन पर भी बिंदी लगाना है, और उसके ऊपर कौड़ियाँ रखना है सिक्के के ऊपर। साथ ही साथ में लक्ष्मी यंत्र है तो वो भी ले लेना है, आपको गोमती चक्र है तो गोमती चक्र ले लेना है। धनिया लेना मत भूलिएगा, खड़े धनिया के बीजे, कोई काउंटिंग नहीं है, चुटकी भर बीज ले लीजिएगा हरा धनिया का, वो ले लीजिएगा। साथ ही साथ हल्दी जो है, हल्दी का गट्टा, मतलब खड़ी हल्दी जो होती है, वो ले लीजिएगा। कमल गट्टा मिलेगा अगर आपको, तो कमल गट्टा पर भी आपको ले लेना है। और साथ ही माता लक्ष्मी की प्रिय हरी इलायची जो होती है, वो डालना मत भूलिएगा, वो भी आपको अपनी पोटली में डाल देना है। कपड़ा जो आप लाल कपड़ा लेंगे, उसी पे वो भी रख देना है। सारी चीज़ों की आपको पोटली बना लेनी है, और ये पोटली आपको जब दिवाली पूजा करते हैं तो आप पूजा में भी अपने रख सकते हैं। पूजा में रखने के बाद रात्रि के समय, यानी कि पूजा के बाद, आपको अपनी वो पोटली अपने घर की जो तिजोरी है या अलमारी, जहाँ रुपया पैसा वगैरह रखते हैं, वहाँ पर आपको ये पोटली बना करके रख देना है। और इसको निकालना नहीं है, पोटली आपकी अगले साल तक भी, यानी अगले दिवाली तक, उसी में बनी बना करके आपको रखे रहनी होती है। अब आते हैं अपने दोस्तों अगले उपाय पर। अगला उपाय है आपको अष्टदल कमल बनाने का उपाय। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अष्टदल कमल उपाय किया जाता है, अष्टदल कमल बनाए जाते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको हल्दी से और कुमकुम से ये काम करना है। हल्दी से आपको जो उत्तर, कोई भी पूर्व दिशा की जो दीवार होती है, ईशान कोण हो सके तो दीवार में बनाना है, जमीन पर नहीं बनाना है। अष्टदल कमल हल्दी से बनाइएगा, और उसको आपको बीच में जो है कुमकुम से आपको उसके बिंदी रख देनी है। जैसे आप ये देख रहे हैं, बीच में मैंने भर दिया है, वो आपको नहीं भर, चाहे तो भरे, नहीं तो नहीं भी भर सकते हैं। हल्दी से आपको कमल का शेप देना है पूरा अष्टदल का, और बीच में आपको बिंदी रखनी है कुमकुम से। पूर्व दिशा की दीवार पर आपको ये उपाय करना है, ये बनाना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हल्दी से जुड़े हुए बहुत ही चमत्कारी और अचूक लाभ उपाय बताए हैं, माता लक्ष्मी की प्रसन्न करने के लिए, घर की बरकत के लिए। आपको जो उपाय आसान लगता है, जो लगता है आप आसानी से कर सकते हैं, दिवाली के दिन करना है, और साथ ही साथ गुरुवार के दिन भी आप कर सकते हैं, करके ज़रूर देखिएगा। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता।